मुख में यदि कोई रूप यहाँ विराजमान है तो कहते हैं कि वो गिरिराज जी के रूप में आज भी विराजमान है, उस समय से अब तक वो विराजमान है। श्री ठाकुर जी का ही रूप गिरिराज जी को समझते हैं और इस तरह लीलाओं को करते हुए भगवान प्रेम लीला की तरफ आगे बढ़ते हैं और ब्रज में मीठी मधुर बांसुरी बजाई प्रभु ने, सब गोपियों ने, सब ग्वाल वालों ने आनंद लिया। और तो और जब श्री कृष्ण ठाकुर जी बांसुरी बजाते थे तो केवल मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी दौड़ करके कन्हैया की शरण में आते थे। उनकी मीठी की बांसुरी सुनकर सारे जीव जंतु आ जाते थे, मोर नाचने लगते थे, गाय झूमने लगती थी, बछड़े भी क्लेल करने लगते थे। प्रभु की मीठी बांसुरी बजी। अब जब बांसुरी बजी है और बजाने वाले साक्षात कृष्ण हो तो भला कोई अपने आप को कैसे रखे, तो दौड़े ही जाते हैं। जो प्रभु की आवाज सुनता है, जो इस बांसुरी की तान सुनता है, वो दौड़े ही चला। कानूड़ा अच्छी बजाई तेने बांसुरी। मारे हिवड़ा में उठे रे हिलोर सावरे, अच्छी बजाई तेने बांसुरी। कोई अपने आप को रोक नहीं पाता है। ब्रज की गोपियां तो जो काम कर रही होती हैं सब छोड़ के भाग लेती हैं। कोई रोटी बना रही है तो रोटी छोड़ के ही भाग गई। एक रोटी चूल्हे पे है, एक तवे में है और ध्यान ही नहीं है, बांसुरी बजी तो बस भाग चली। कोई गोपी अपने बालक की आंख में काजल लगा रही, एक आंख में काजल लगा, दूसरी में लगाई नहीं, छोड़ के भाग ली। ये ध्यान ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं, बस कृष्ण की बांसुरी बजी तो सब अपने आप को कृष्णमय कर देती हैं। और ब्रज में कुछ लाइनें कही हैं ब्रज भाषा में कि गोपियों की स्थिति कृष्ण की बांसुरी बजने के बाद कैसी होती है, तो ब्रजवासियों ने, ब्रज के रसिकों ने कहा कि दार में दूध, अंगार में चावल, साग बघारते गोबर डारे। समझ में आई लाइन कि नहीं आई? माने गोपियों की स्थिति यह है